आज हम इन शाह के लिए दुआओं के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह उनके लिए बेहतरीन दुआएं कर सकते हैं क्योंकि वालदान वो हस्ती हैं जिनके एहसानात हम पर सबसे ज्यादा हैं उनके एहसानात का बदला हम चुका नहीं सकते लेकिन हाँ एक सूरत है कि हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें खूस उस वक्त जब वो दुनिया से जा चुके हों और हम उनके लिए किसी किस्म की कोई जिसमानी खिदमत या माली खिदमत या किसी और तरीके से कोई मदद उनकी ना कर सकते हो अल्लाह सुबहान दुआ करना बहुत पसंद है अल्लाह ताला फरमाते हैं वकौल रबी असजल लकुम। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो अल्लाह सुबहान खुद हमें हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो तो हमें अल्लाह सुबहान ततात करते हुए मांगते रहना चाहिए और वैसे भी एक और आयत में आता है वो इबादी यानी और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें यानी अल्लाह सुबहान तै के बारे में कि हमारा रब कहाँ है हम उससे कैसे दुआ करें तो आप उनको बताइए फ इन्नी करीब मैं तो करीब हूँ बहुत करीब दूर नहीं हूँ बीच में किसी और को लाने की जरूरत ही नहीं सबसे ज्यादा तो मैं ही तुम्हारे करीब हूं उजीबु दावत दाई इानी मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है दिन को पुकारता है या रात को पुकारता है गम में पुकारता है या गुस्से में पुकारता है भूख में पुकारता है या बीमारी में पुकारता है जब भी पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं तब उसको क्या चाहिए फलियस्तजी बोली चाहिए कि वो भी मेरी बात माने यानी अगर वो चाहते हैं कि उनकी दुआएं सुनी जाए तो उन्हें मेरी इतात करनी चाहिए बोली उमिन और चाहिए कि मुझ पर ईमान लाए मुझ पर एतमाद करें मुझे अपना रब मान लें लाल ला अरशद शायद कि वो सीधी राह पाए उनको सही रास्ता मिल जाए होता यह है कि जब इंसान की जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है कोई हिकमत होती है अल्लाह सुबहान बंदे को अपने और करीब करना चाहता है इसलिए वो उसको किसी न किसी ऐसे दुख तकलीफ या परेशानी में मुब्तला कर देता है ताकि बंदा अपने रब की तरफ रुजू करे उस मुश्किल पर सब्र करके अजर पाए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके और ज्यादा दुआ मांगे क्योंकि दुआ इबादत है दुआल इबादा अल्लाह सुबहान तआला के नज़दीक नहायत पसंदीदा इसलिए हमें कसरत से पुकारते रहना चाहिए और जब भी हम दुआ मांगे तो उससे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना जरूर बयान करें एक हदीस में आता है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर एक साथ थे जब मैं बैठा तो अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की फिर नबी सल्लाम पर दरूद भेजा फिर अपने लिए दुआ की तो नबी सल अला वसल्लम ने फरमाया मांगो अता किया जाएगा मांगो अता किया जाएगा तो इससे पता ये चलता है कि दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम सना बयान करना जरूरी है अल्लाह ताला की हम सना के बेपनाह कलि हैं लेकिन आज हम उन कलिमा में से एक कलमा जो अल्लाह त बेहद महबूब है वह आपको बताते हैं जो नमाज के आगाज़ में भी पढ़ा जाता है और नमाज के अलावा भी अगर अल्लाह ताला की हमदो सना करना हो तो इस दुआ को पढ़ सकते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ के साथ तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है तेरी बुजुर्गी बुलंद और बरतर है तेरे अलावा कोई भी इलाह नहीं है तो बहरहाल वालिदैन के लिए दुआ करने से पहले अल्लाह सुबहानो तम दो सना बयान कीजिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद भेजिए और फिर अपने माँ बाप के लिए दुआएं कीजिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है वक़ुल रबिर हम हम कम रब बयानी सगीरा और आप कह दीजिए ऐ मेरे रब उन दोनों पर रहम कीजिए यानी वालिद पर भी और वालदा पर भी जैसे उन्होंने मुझे छोटा सा पाला था बचपन में पाला था जब मैं ना खुद खा सकता था ना पी सकता था और न खुद अपने आप को साफ कर सकता था तो उन्होंने दिन रात बगैर किसी वक्फे के मेरी खिदमत की तो अरब अब जबकि वो बड़े हो गए हैं वो तेरी रहमत के मोहताज हैं तो उन पर रहमत फरमा और उनकी मुश्किल आसान फरमा फिर इसी तरह वाले अगर जिंदा हो तो भी दुआ की जाए और अगर वो फौत हो जाए तो वो और भी ज्यादा दुआ के मुस्तक हो जाते हैं जब बरजख में वालदान का दर्जा बढ़ा दिया जाता है यानी बुलंद किया जाता है तो वो पूछते हैं कि हमें दर्जे की ये बुलंदी क्यों कर हासिल हुई तो उन्हें बताया जाता है कि ये तुम्हारी औलाद की दुआ की वजह से वैसे भी जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अपने अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तीन चीज़ें मरने के बाद भी फायदा देती हैं जिनमें से एक सदक़ा जारिया है दूसरे ऐसा इल्म जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और तीसरे वला दुनसा लुन यादू लहू नेक औलाद जो अपने वालदेन के लिए दुआएं करे यानी बेटे की दुआ या बच्चों की दुआ अपने वाले के हक में कबूल होती है इसलिए खूब खूब दुआएं करनी चाहिए हम देखते हैं कि मुख्तल पैगम्बर भी अपने रब से अपने वाले के लिए दुआएं करते रहे हैं जिन ननू सलाम की दुआ है वो कहते हैं ऐह मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे वाले को बख्श दे और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ हो उन सब को भी बख्श दे इसी तरह इब्राहिम की दुआ हैदिगार मुझे मेरे वाले और तमाम मोमिनों को उस दिन माफ कर देना जिस दिन हिसाब लिया जाएगा फिर इसी तरह हम देखते हैं कि सहाब कराम अपने वालदान के लिए दुआएं किया करते थे जिनमें ख़ासतौर पर हज़रत अबू हुरारा का जिक्र मिलता है कि वो ईमान ले आए थे लेकिन उनकी वालिदा मश्रका थी और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे कलमात कह देती जिससे उनको बहुत तकलीफ़ होती तो एक मरतबा इसी तरह के कुछ कलमत सुनकर वो रोते हुए नबी सल्हलम के पास आए कह लगे रसूल अल्लाह सल्हल्म आप मेरी वालिदा की हिदायत की दुआ कीजिए बहरहाल आप सल्ला वसम् ने हाथ उठा दिए उनके लिए दुआ की और जब हजरत बारा वापस घर पहुंचे तो उनकी वालदा इस्लाम कबूल कर चुकी थी हकीकत थी। यह है कि वालदा के लिए खुद भी दुआ करनी चाहिए और दूसरों से भी दुआ की दरखास्त करनी चाहिए फिर इसी तरह हम देखते हैं कि एक मरतबा अबू हुरारा जब अपने वतन पहुंचे तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा अम्मा जान अलैकी व वहीईक व वरकत उन्होंने जवाब दिया व व अलैका वलैक् व वरकत फिर अबू हुरारा कहने लगे अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए जैसा कि आपने बचपन में, में मेरी परवरिश फरमाई उनकी वालिदा ने जवाब दिया ऐ मेरे बेटे तुम्हें भी अल्लाह ताला बेहतरीन जजा दे और तुमसे राजी हो जैसा कि तुमने मेरे साथ बुढ़ापे में नेक सलूक किया हकीकत यह है कि हम पर इंसानों में से सबसे बड़ा एहसान हमारे वालिदैन का है अल्लाह सुबहान हक के बाद सबसे बड़ा हक हमें वालिदैन ही का बताया है अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कुरान मजीद में आता है वह इज अखदना मिसा का बनी इसराइला व वा वालिदैन एहसाना और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया कि तुम लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे और वालिदैन के साथ एहसान करोगे तो हकीकत यह है कि वालिदैन के साथ एहसान करना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनका हक अदा नहीं कर सकते जितनी वो मोहब्बत के साथ हमें पालते हैं बच्चे वालिदैन की खिदमत इज्जत करते भी हैं तो बाज़ात मुश्किल में पढ़कर बददिली के साथ उस मोहब्बत के साथ नहीं जो वालदान की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए होती है और वो हर काम खुशी खुशी करते हैं वालदे अपने बच्चों के बड़ा होने की दुआएं मांगते हैं लेकिन जब वालद बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके खैरियाफियत के साथ दुनिया से रुखत होने की दुआएँ मांगते हैं वालदान में से भी ख़ासतौर पर माँ का हक अदा करना और भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बाप के मुकाबले में बच्चे की पैदाइश तालीम और तरबियत में माँ का हिस्सा और हाथ ज़्यादा होता है वो तकलीफ़ें भी ज़्यादा उठाती है और वालदान के लिए दुआएं करने के साथ साथ उनके साथ अदब और एहतराम का सलूक भी करना चाहिए ख़ाह वो मुसलमान ना भी हों वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार ना भी हों इस सिलसिले में हम देखते हैं कि हज़रत असमा की वालदा उनके पास आईं जो कि अभी इस्लाम कबूल नहीं की थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में हाजिर हुई और पूछा कि मेरी वालिदा मेरे पास आई हैं और बहुत रगबत के साथ मुझसे मिलना चाहती हैं तो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ उनकी मदद कर सकती हूँ तो आपने फरमाया था सिली उम की तुम अपनी माँ के साथ रहमी करो इस बारे में अल्लाह अल्लाबहन तलाने मजीद में भी हुक्म देते हैं कि वह इन जाहदा का अला अन अंतुशरे कभी बिही इल्म फला तोय दुनिया मारूफा कि अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक बनाए जिसका तुझे कुछ इल्म नहीं तो तुम उनका कहना ना मानना अलबत्त में उनके साथ भला सलूक करना उनके साथ भलाई के साथ रफाकत करना यानी उमदा तरीके से अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करना फिर इसी तरह खास तौर पर वालदान के साथ नरम सलूक करने का हुक्म दिया गया क्योंकि वालदे जो जो उम्र में बड़े होते चले जाते हैं या जिस तरह उनकी कुर्बानियां ज्यादा होती हैं तो वो अपनी औलाद से ज्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं तो उन्हें बच्चों की तरफ से मिलने वाली छोटी सी तकलीफ भी बहुत नागवार होती है तो इसलिए खास तौर पर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है वालदान के साथ मामला करते वक्त यानी गुफ्तु में भी पोस्चर में रवैये में मामले में हर चीज में नरमी बरतने की जरूरत है इस सिलसिले में अल्लाह ताली फरमाते हैं لهما جناح من وقل رب كما और उन पर करते हुए इनके सारी के साथ उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो मेरे रब इन पर जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफकत के साथ पाला था इस सिलसिले में हमें एक रिवायत में ये भी मिलता है अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सूचा के कौन सा अमल सबसे अफजल है आपने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना और वालिदैन के साथ नेकी करना फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना यानी सबसे पहला काम नमाज और फिर इंसानों में से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक लेकिन आम तौर पर वालिदैन को औलाद के साथ शिकायत ही रहती है क्योंकि बाजोकत लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं सद ख़ैरात भी कर लेते हैं लोगों के साथ अच्छी तरह भी मामला कर लेते हैं लेकिन वालदान के साथ उनका वो शफकत और मोहब्बत का मामला नहीं होता जिसको वो डिजर्व करते हैं आप देखिए कि आयत में कितनी ताक़ के साथ कहा जा रहा है कि वक्फ लहुमा जना कि तुम अपने पर यानी अपने कंधे उनके सामने आजी और इनके सारी के साथ झुका के रखो है नहीं जब उनके सामने बैठो या खड़े हो या बात करो तो उस वक्त भी तुम्हारे अंदर एक खास किस्म का झुकाव होना चाहिए फिर इसी तरह यह है कि वालदान को उफ तक कहने की इजाज़त नहीं बात इंसान का अपने वालदेन के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है वो दीन का मामला हो सकता है वो दुनिया का मामला हो सकता है वो सोच का फर्क हो सकता है वो जनरेशन गैप हो सकता है वो कोई भी चीज हो सकती लेकिन इसमें औलाद को ये हक नहीं दिया गया कि वो वालदैन के साथ बदतमीजी करे हमारे दीन ने हमें यह सिखाया है कि वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा कि तुम उनको उफ तक न कहो और उनसे डांट कर बात न करो वकुल्लहुमा कौलन करीमा और उनके साथ जब बात करो तो बहुत इज्जत के साथ करो एहतराम के साथ करो फिर इसी तरह उनके साथ सख्ती से बात ना की जाए उनका नाफरमान ना बना जाए

और हमने उसे बचपन में ही कुत फैसला अता की और हमने उसे मेहरबानी से नरम दिल और और पाक सीरत बनाया और वो फिल वाके परहेजगार थे और अपने से हमेशा अच्छा सलूक करते थे ये कुरान मजीद की गवाही और किसी वक्त भी जाबर और नाफरमान न हुए यानी उन्होंने कभी भी अपने वाले के साथ बदतमीजी नहीं की सख्ती नहीं की बद नहीं की फिर इसी तरह वाले की नाफरमानी को हराम भी करार दिया गया हदीस में आता है किकूक मात अल्लाह ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया है फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है अल्लाह ताला की रजामंदी बाप की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है इसलिए वाल का हक अदा करना भी माँ के साथ साथ बहुत जरूरी है और वालदेन का हक अदा न करना कबीरा गुनाहों में शुमार होता है और कबीरा गुना वो है कि जिन पर अगर इंसान तोबा किए बगैर मर गया तो के दिन सख्त होगी और इसी तरह को रुलाना भी कबीरा गुना है उनको गाली देना कबीरा गुना है फिर तर इसी तरह वालिदैन तो वो हस्ती हैं कि जिनके लिए दुआओं के साथ साथ उनकी तरफ से सदका खैरात करना भी खसूस उनके जिंदगी के बाद बहुत फायदेमंद है इंसान को अगर ज़िंदगी में कुछ मुश्किल पेश आए अपने बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो या अपनी सेहत की तरफ से या कारोबार और रोजगार में अगर कोई परेशानी हो तो उस वक्त इंसान को अपने वालदान के साथ हसन सलूक करना चाहिए ये उन नेकियों में से है जिसकी वजह से इंसान की मुश्किल बहुत जल्द हल हो जाती है और खसूस सदका देते वक्त वालदान की तरफ से यानी उनको स्वाब पह की नीयत से सदका किया जाए इस सिलसिले में हम देखते हैं एक आदमी ने नबी सल्हसम से अर्ज किया मेरे वालिद फौत हो गए हैं और उन्होंने माल छोड़ा है लेकिन वसीयत नहीं की तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो उनके गुना माफ कर दिए जाएंगे आपने फरमाया हाँ इसी तरह हजरत आयशा से रवायत है कि एक आदमी नबी सल्ला वसलम के पास आया और अर्ज की कि यारसो अल्लाह मेरी वालदा बगैर वसीयत के फौत हो गई हैं और मेरा गुमान है कि अगर वो बात करती तो सदका करती अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उनको रोजे अदा किए जा सकते हैं अगर वो हज ना कर पाए हो, तो उनकी तरफ से हज बदल किया जा सकता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एहसान होगा फिर इसी तरह उनकी नजर पूरी की जा सकती है अगर उन्होंने जिंदगी में किसी से कोई वादा किया हो और वो उसे पूरा ना कर सके हो, अल्लाह ताला के लिए कोई नज़र मानी हो और उसे पूरा ना कर सके हो तो उसको अदा कर दिया जाए तो खुलासा यह है कि इंसान अपने वालदा के साथ जो एहसान कर सकता है उसमें जब वो जिंदा हो, तो उनका दिल खुश करे उनकी खिदमत करे उन पर अपना माल खर्च करे उनकी इतात और फरमाबरदारी करे ख़्वा हाँ वो अल्लाह के फरमा बरदार हों या ना हो उनके साथ उसने सलूक करता रहे जब वो फ़ौत हो जाए तो उनकी तरफ से सद का ख़ैर करे वालदान के दोस्तों के साथ उसने सलूक करे और उसके साथ साथ उनके लिए खूब खूब दुआएं करे और खसूस ये मुख्तसर सी दुआ जो अल्ला सुबह तुद हुक्म दिया करने को रबिर रब हम हम कम रबानी सगैीरा इस दुआ की खूब खूब तकरार करे और उनकी बख्शिश की भी दुआ करे और आखिर में हम सब दुआ करते हैं अपने वालदान के लिए अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें फरमाए और उनको अपना पसंदीदा बना ले और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उन्हें जन्नत में आला मकामात अता फरमाए वह आखिर दावाना आलमीन